नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं आपको वर्चुअल फैमिली ब्लॉग का स्टूडियो दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा कि मैं कैसे वीडियो को शूट भी करता हूं। तो चलिए आज मेरा स्टूडियो देखिएगा। तो मैं खाना खा लेता हूं। दोस्तों, वर्चुअली फैमिली ब्लॉग का मैं स्टूडियो का ब्लॉग शेयर करूं, उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आज मंगलवार है। मंगलवार के दिन तुलसी माँ को स्पर्श नहीं किया जाता है, उन्हें सिर्फ जल देता हूं मैं। हिंदू धर्म में ऐसा प्रावधान है कि तुलसी माँ को मंगलवार के दिन स्पर्श नहीं किया जाता है। तो चलिए मैं अपना स्टूडियो शेयर करता हूँ, उसका ब्लॉग वीडियो शेयर करता हूँ। चलिए इंजॉय कीजिए दोस्तों। वर्चुअली फैमिली ब्लॉग का जो स्टूडियो है मैं वो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे मैं वीडियो बना रहता हूँ। उसके साथ साथ मैं कुछ अपने दिल की बातें भी शेयर करना चाहता हूँ। तो देखिए, मैं घर में अकेला रहता हूँ और यह है हमारा गेट। तो कैसे हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरी फैमिली अभी है नहीं और मैं अकेला हूं, और आप बहुत सारे लोगों को डाउट होता होगा कि मैं कैसे वीडियो बना ले रहा हूं। तो देखिए, मेरा जो है कि मेरे पास दो ट्राइपॉड हैं, जो स्टैंड ट्राइपॉड है, एक यहां है जो बिल्कुल यहां ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से मैं वीडियो को शूट करता हूँ अगर मुझे वहाँ का दिखाना होता है तो। और अगर एक ट्राइपॉड मेरा यहाँ इस तरह से लगा हुआ है, फर्स्ट मेरा जो वीडियो जो बना था वो करीब कैमरा का जो एंगल है वो सही से नहीं लगा हुआ था, और ये कल का जो हैंडल है वो इस तरह से था, तो मैंने इसको यूं कर दिया। और फिर उसके बाद ये जो ट्राइपॉड है उसको मैंने इस तरह से सेट किया, एक बड़ा एक छोटा, और इसको मैंने यहाँ लगाया इस तरह से, इस तरह से लगाया ताकि जो है कि मेरा व्यू जो है एकदम बिल्कुल यहाँ इस तरह से क्लियर आए, और मैं आराम से जो है कि वीडियो शूट भी किया। अब रह गई बात कि वीडियो में कभी आगे पीछे बड़ा हो जाना, तो ये होता है कि एडिटिंग करना, एडिटिंग करते समय जो है कि मैं जूम आउट जूम इन कर लेता हूं तो इस तरह से कुछ लगता है। फिर उसके बाद अगर आप इस तरह से देखें तो इस तरह से मेरा स्टूडियो दिखेगा, और यहां मैं कल के हैंडल को ऊपर कर देता हूं और इस तरह से शूट करता हूं जूम इन जूम आउट कर करके। और ये देखिए, मेरा जो ये प्लेस है वो इस तरह से लगता है, और ये चारों तरफ का जो व्यू है, और ये रोड है, रोड से अक्सर गाड़ियां आती जाती रहती हैं, ट्रैक्टर आते जाते रहते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना होता है। साउंड गड़बड़ हो जाती है गाड़ियों की। और देखिए, अगल बगल जो मंदिर है और स्कूल है, तो स्कूल में जब प्रार्थना होती है तो वहाँ से प्रार्थना की आवाज़ भी जाती होगी आप लोगों को। और ये जो मंदिर में आवाज़ आती रहती है, मंदिर की आवाज़, जिसके कारण मुझे प्रॉब्लम होती है, तो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। और कुछ बातें ये भी हैं दोस्तों कि अगर ये कुछ दोस्तों, ये मेरा पूजा रूम है, और मैं मुझे अगर शूट करना रहता है तो मुझे स्टैंड यहाँ लगाना पड़ता है। स्टैंड लगाने के बाद जो है कि मैं जूम इन जूम आउट करके अपने वीडियो को एडिट करता हूँ, तो मुझे सिर्फ अकेले वीडियो बनाना होता है क्योंकि मेरी फैमिली तो है नहीं, तो आप लोग समझ सकते हैं। और दोस्तों, मैं कुछ बातें ये भी शेयर करना चाहता हूँ और आपसे भी जानकारी लेना चाहता हूँ कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये
वर्चुअल फैमिली ब्लॉग मेरा जो है वो तो ऐसे मैं माता का भक्त हूँ, तुलसी माँ मेरी माँ है, उन्हें माँ भी मानता हूँ, और मेरे पिताजी हैं। तो अक्सर क्या होता है कि फैमिली अकेला होता है,